हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे शाइनिंग फैशन क्लब यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ डिफ्यूजर जो होता है उसके अंदर किस तरीके से अगर बल्ब खराब हो जाता है तो किस तरीके से उसको चेंज करा जाता है। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इंस्टाग्राम का आइकन दिख रहा है और हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिफ्यूजर लैंप है। अगर किसी भी डिफ्यूजर में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डिफ्यूजर है लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी है वो सब में सेम होती है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कैसे डिफ्यूजर के अंदर अगर बल्ब खराब हो जाता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो में चलते आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब ये देखिए व्यूअर्स, इसमें सिर्फ हमको ये निकालना होता है और इसमें देखिए बल्ब इस प्रकार का होता है, ये रहा। देखिए व्यूअर्स, ये बल्ब है, इस प्रकार के बल्ब होते हैं। आपको सिर्फ इसमें ये चेक कर लेना है कि तार इसमें से टूटा तो नहीं है, कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तब बल्ब को चेक करना। ये चेक होने के बाद आप इसको बल्ब को लगा सकते हैं इस तरीके से और इसको दोबारा वैसे की वैसे ही लगा लो। देखियो चेंज हो गया, बस अब आप इसको चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और व्यूअर्स, मेरे पास ऐसे बहुत से कैटलॉग हैं, अगर आपको ख़रीदना है, ये आपको पसंद है, अगर आपको बल्ब भी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कैटलॉग देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं वहाँ से। तो चलिए, धन्यवाद।